गाइस आज मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसे कीवर्ड्स के बारे में जो जिनका आपको नाम नहीं पता होगा। चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है क्वर्टी कीबोर्ड। ये आपके घर में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा होगा। इसके पहले कुछ शब्दों से पता इसका नाम रखा गया था क्वर्टी। इसको इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्ज ने। इसका लेआउट डिवाइस और क्रिएट हुआ था 1870s में। क्रिस्टोफर लैथम शोल्ज एक न्यूज़पेपर एडिटर और प्रिंटर हुआ करते थे जो विस्कॉन्सिन के केनोशा शहर में रहते थे। अक्टूबर 1867 में इन्होंने अपने नाम एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवाया जो इनकी अर्ली राइटिंग मशीन बनाने के लिए था। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को इनका असिस्टेंट बना के उस वक्त लिए रखा था। इनके दोस्तों का नाम था कार्लोस ग्लिडन और सैमुअल डब्ल्यू शो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन्होंने जो राइटिंग मशीन बनाया वो थोड़ा टाइपराइटर के टाइप था, टाइपराइटर जैसा था, लेकिन अपग्रेड होने के बाद आज के जमाने में ये ऐसा दिखता है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर टू की तरफ। गाइस अब आ जाता हूँ द्वोरक पे। और द्वोरक कीबोर्ड बनाया गया था ऑगस्ट डॉक्टर ऑगस्ट द्वोरक के द्वारा। ये बिगेस्ट राइवल था जो क्वर्टी कीबोर्ड को चैलेंज करने के लिए 1930s में बनाया गया। तो गाइस अगला हमारा तीसरे नंबर पर आता है वर्ड्स कीबोर्ड। जैसा कि आपने स्क्रीन देख पा रहे हैं इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये क्वर्टी कीबोर्ड के लेआउट में और नाम में थोड़ा सा ट्वीक किया गया था, उसके बाद इसको ट्राई और टेस्ट करके बनाया गया। वैसे तो ये प्रोडोमिनेटली सेंट्रल यूरोप, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और सीजा की रिपब्लिक और वहाँ के आसपास के जो भी नेशंस हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग यूज करते हैं। ये कोई नेसेसरी सिंगल लेआउट नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नंबर चार की तरफ। तो गाइस नंबर चार की तरफ हम बढ़ते हुए और अगले कीबोर्ड का नाम है एजर्च। इसके पहले छह शब्द ही पता चल जाता कि इसका नाम एजर्च। और अगेन इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये क्वालिटी को ही लेआउट थोड़ा चेंज करके ठीक करके और उसका नाम थोड़ा ठीक करके बना है, जो क्यू को ए से और डब्ल्यू को जेड से रिप्लेस करता है, स्विच करता है। और राइट हैंड साइड में जो सेकंड लाइन है लेटर्स की, उसमें सेमी कॉलन की को एम की के साथ स्वैप कर दिया गया, बदल दिया गया है। और इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न कंट्रीज में क्वर्टी लेआउट यूज होता है, लेकिन लेकिन नंबर्स नंबर रो जो कीबोर्ड के टॉप पे होता है प्रेडोमिनेटली, का मतलब है कि उसके उनके नंबर्स के ऊपर जो सिंबल्स बने होते हैं उनको अगर हम होल्ड करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके उनको दबाएंगे, तब वो उनके नीचे जो सिंबल बने रहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, इसमें नंबर के पास रहते हैं सिंबल्स। लेकिन फ्रांस में आइडिया रिवर्स कर दिया गया है। ये प्राइमरीली अब एक एक्सेंट रो है जहां शिफ्ट दबा के अगर आप कोई की हिट करोगे तब उसमें आपको नंबर दिया जाएगा। मतलब पहले वाले में केस में है कि नंबर के नीचे सिंबल है, शिफ्ट दबा के नंबर दबाओगे तब आपको सिंबल देंगे। और फ्रांस में आप अगर सिंबल शिफ्ट होल्ड करके सिंबल दबाओगे तब आपको नंबर दिया जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नंबर पांच की तरफ। तो गाइस नंबर पांच में हमारे पास आ जाता है कूल मार्क कीबोर्ड। तो कूल मार्क कीबोर्ड जो है वो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो क्वालिटी कीबोर्ड या उसके लेआउट के साथ अनकंफर्टेबल है। ये बिल्कुल ही एक नया कीबोर्ड के लेआउट को अडॉप्ट करने जैसा है। इस कीबोर्ड में उस कीबोर्ड के लेआउट में 17 चेंजेस हैं, लेकिन इस कीबोर्ड में जिधर कैप्स लॉक होता है उधर भी बैकस्पेस को डाल दिया गया है। मतलब कि कैप्स लॉक की को बैकस्पेस की के साथ बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है। ये कीबोर्ड खासकर उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे दो दो जगह बैकस्पेस है। तो चलिए गाइस अभी हम बढ़ते हैं नंबर छः की तरफ। तो गाइस नंबर छः पे आता है हमारा जेसुकिन कीबोर्ड। तो इसका लेआउट देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये एक रशियन कीबोर्ड है। ये एक रशियन कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड का ये साइरिलिक कीबोर्ड लेआउट है रशियन लैंग्वेज का, जो पहले के कंप्यूटर्स और टाइपराइटर्स जो रशिया में थे पहले के उसमें यूज किए जाते थे। इसका मेन लेआउट था, लेकिन
जिसुकन कीबोर्ड ने इसको रिप्लेस कर दिया, जिसुकन कीबोर्ड से रिप्लेस कर दिया पुराने वाले को, जब रशिया में अल्फाबेट का रिफॉर्म हुआ था 1917 में, जिसमें ये चार कैरेक्टर्स हट गए थे। उसके बाद से ये जो बी टाइप का लेटर आपको दिख रहा है लास्ट सेकंड लाइन के लास्ट में, उसका यूजेज होना डिक्रीज होने गया, होने लगा रिफॉर्म के बाद। चलिए हम बढ़ते हैं अभी अपने नंबर 7 के कीबोर्ड की तरफ, और 7 सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस नंबर 7 के कीबोर्ड पर बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। सब्सक्राइब करने से जो है गाइस चैनल का वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो गाइस नंबर 7 पे आ जाता है हमारा मेल्ट्रॉन कीबोर्ड। इसे देख के आपके मन में आ ही रहा होगा भाई क्या कीबोर्ड है ये, कैसा कीबोर्ड है अजीब सा। तो गाइस ये मेल्ट्रॉन कीबोर्ड जो है सच में पहली बार में देखने में अजीब सा लगता है, लेकिन एक सिंगुलर स्लॉट में, एक सिंगल रेक्टेंगुलर स्लॉट में जो सारे लेटर्स रहते हैं नॉर्मल कीबोर्ड में जो आपने पहले देखे होंगे वीडियो में, ये उससे बिल्कुल ही अलग है। ये दो स्क्वायर सेट प्रोड्यूस करता है लेटर्स जिसके बीच में एक नंबर पैड इसमें आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मतलब लेटर्स हैं स्क्वायर सेट में वो अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है A, N, I, S और F का, और जो राइट साइड में है वो D, T, H, O और R का कॉम्बिनेशन है। गाइस कैसे कैसे कीबोर्ड है यार तो। ये खैर छोड़ो, ये था 7वां नंबर का कीबोर्ड, और अगर ये वीडियो में मेरे को अच्छा रिस्पांस आता है, आपको भी अच्छी लगती है, रिस्पांस का मतलब है कि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, व्यूज बढ़ेंगे, तो मेरे को पता लगेगा कि मतलब ऑडियंस को पसंद आई है, तो ऐसी वीडियोस और हम लाएंगे। गाइस ये थी हमारी 7 नंबर की कीबोर्ड। अभी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।